नीट 2024 की काउंसलिंग हो गई है शुरू और काउंसलिंग से रिलेटेड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देनी है। इन्फॉर्मेशन थोड़ी छोटी है, थोड़ा माइनर सी है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर आप लोगों ने ये गलती कर दी तो इस गलती का हर्जाना आपका पूरा एक साल हो सकता है। हो सकता है कि आप अपनी MBBS की सीट खो दें। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखना और समझना कि ये गलती आप लोग ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एंड वेलकम टू नीट स्पॉट। मैं हूं शिवा मौर्य, आप लोगों का बड़ी जो कि नीट की प्रिपरेशन में आप लोगों की हेल्प करने वाला है। तो आज बात करूंगा भाई चॉइस फिलिंग के बारे में और यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। अब आप लोगों को पता है कि नीट की काउंसलिंग का राउंड वन जो है वो शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोग कर सकते हैं। तो जब आप रजिस्टर कर लेंगे, आप लोगों को चॉइस फिलिंग करने का टाइम आएगा, तो वहां पर एक कैच है। अब बात यहाँ पर यह होती है कि जब आप अपना चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं, यानी कि आप कॉलेजेस सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको प्रेफर्ड है और कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, जब आप ये चीज़ सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तब एक गलती आप लोगों की बहुत महंगी पड़ सकती है। अब फॉर्म फिलिंग से लेके कॉलेज मिलने तक आप लोगों को जो प्रोसेस फॉलो होता है, उसमें आप कई सारी चीज़ें आप लोगों की देखी जाती हैं। आपकी रैंक हो गई, आपकी कैटेगरी हो गई, आप कौन से कॉलेज में आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप लोगों को कॉलेज अलॉट होता है। पर यहाँ पर कैच ये है कि ये कॉलेज अलॉटमेंट जो है कोई इंसान नहीं करता आपको। जी हाँ, यहाँ पर ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये कॉलेज अलॉटमेंट कोई भी इंसान नहीं करता, ये करता है कंप्यूटर प्रोग्राम। और उस कंप्यूटर प्रोग्राम को ये कोई भी मतलब नहीं है कि आप लोगों ने गलती से कोई कॉलेज भर दिया, गलती से कोई कॉलेज में सीट ले ली, या फिर गलती से किसी कोर्स में एनरोल कर दिया। इस चीज़ से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आप लोगों के सारे डेटा को एनालाइज करेगा और फिर आप लोगों को प्रेफर्ड कॉलेज देगा। अब यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बच्चे ने एक बार एक गलती कर दी थी। उसे MBBS मिल गया था, बट मौलाना आज़ाद में एडमिशन लेने के चक्कर में उसने थर्ड राउंड तक जो है वो काउंसलिंग अटेंड करी और फिर थर्ड राउंड में गलती से उसने एक बार क्लिक कर दिया मौलाना आज़ाद के डेंटल में। 2878 रैंक के अगर आप MCC का R3 का रिजल्ट देखेंगे, उस बच्चे को पहले राउंड में UCMS अलॉट हो गया। टिपिकली क्या होता है, बच्चे को लगता है कि UCMS हो गया पर मेरे को मौलाना आज़ाद चाहिए। उसने सेकेंड राउंड में मौलाना आज़ाद भैया भरा, उसको नहीं मिला। थर्ड राउंड में जब वो चॉइस फिलिंग कर रहा था, उसने मौलाना आज़ाद को देख लिया, उसने मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज भर दिया और कंप्यूटर ने उसकी MBBS की सीट कैंसिल करके उसको BDS अलॉट कर दिया। तो जिस चीज़ के लिए उसने इतना टाइम मेहनत करी, इतना सारा टाइम लगाया अपना, वही चीज़ एक छोटी सी गलती की वजह से पूरी की पूरी ख़त्म हो गई, उसका साल वहाँ पर ख़राब हुआ। तो अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो, तो पूरी की पूरी ध्यान से चॉइस फिलिंग कीजिए। और अगर आप लोगों को अपने मर्जी का कॉलेज नहीं मिलता है और आप काउंसलिंग में आगे जाना चाहते हैं, तो अपनी चॉइस फिलिंग में कोर्स और कॉलेज को ध्यान से सेलेक्ट कीजिए, तभी आप लोगों को अपने मन का कॉलेज मिल सकता है। अब ऐसा ना हो कि 700 के ऊपर नंबर लाने के बाद भी आप लोग MBBS की सीट गवा दें, क्योंकि यहाँ पर आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप भी एक नीट एस्पिरेंट हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को मिलेगी, नीट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और नीट में किस तरह से आगे पढ़ाई करते रहना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ऑन नीट स्पॉट।